तीन दिन का दौरा बस्तर क्षेत्र का था, जिसमें हम दंतेवाड़ा भी गए, माँ दंतेश्वरी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। जो वरिष्ठ नेतागण हैं, कांग्रेस के नेतागण हैं, उनसे भी फीडबैक लिया तो बहुत आराम से। और जो सार्वजनिक रूप से जो मीटिंगों में सुझाव तो आए ही, लेकिन कोई अलग से भी अगर वो चाहते थे कि अलग से बात करें तो अलग से भी मिलने का समय मैंने निर्धारित किया था और बहुत विस्तार से सब लोगों से वार्ता हुई। एक अच्छा माहौल है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, विशेष रूप से जो सरकार की उपलब्धियां हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, सरकार की नीतियां हैं, उसे जन-जन तक पहुंचाने में लोग उसमें प्रसन्न हैं। तो ये सब मिला जुला के बहुत अच्छा एक फीडबैक मिला है। और जो कार्यकर्ताओं ने कोई बात कही है किसी के बारे में, उसका भी पूरा संज्ञान हमने लिया। पूरे बस्तर में इसका कांग्रेस का बेस है, क्या विधायकों के प्रति कोई एंटी टेंडेंसी दिखाई दी, और या आपने जब पूरा दौरा किया तो विधायकों की परफॉर्मेंस का भी कोई आकलन हुआ, किसी की कोई शिकायत या कोई? देखिए, जब भी दौरा होता है तो जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके बारे में लोग अवश्य चर्चा करते हैं और हम भी उसका संज्ञान लेते हैं। अभी एंटी इनकम्बेंसी के बारे में जो चर्चा करें या किसको टिकट दिया जाए किसको ना दिया जाए, उसके बारे में चर्चा करें, अभी समय है और हो सकता है कि 5-6 महीने के बाद इसके ऊपर और ज़्यादा चिंतन किया जाए, सूचना एकत्रित की जाए, फीडबैक लिया जाए। आपने कहा था आदिवासी आरक्षण को लेकर कुर्बानी भी देनी पड़े तो दी जाएगी, किसकी कुर्बानी की बात है? नहीं, कुर्बानी की बात नहीं है। जो आदिवासी लोगों के लिए आरक्षण, वो हर हालत में सुनिश्चित किया जाएगा और उसके लिए जो भी कदम उठाना आवश्यक होगा वो कदम उठाया जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा है। 4 साल बाद तोहफा मिला है, दिख ही रहा है जिस तरीके से जमावड़ा है, कैसे देखते हैं? कुछ नाम ऐसे भी हैं जिसको लेकर भाजपा सवाल भी उठा रही है। मंडल, निगम, आयोग, उनके नियुक्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। जो जो प्रोसेस पूरा हो जाता है उसकी उनको आगे बढ़ा के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अनुमोदन लेके वो जारी कर दिया जाता है। और बाकी भारतीय जनता पार्टी जो सवाल उठाती है वो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो सही है वो सही किया है। बीजेपी ने का आरोप है कि जिसने पिटीशन लगाया कांडे ने उसे तोहफा दिया है अध्यक्ष बनाकर, कांग्रेस ने आरक्षण को लेकर जिसने पिटीशन लगाया था उसको क्या? नहीं, ये तो इनका प्रोसेस बहुत पहले से चल रहा था, जो हाई कोर्ट का आदेश हुआ उससे पहले से। लेकिन खांडे जी ने सिर्फ अपनी को बढ़ाने के लिए ज़रूर पिटीशन दिया था, लेकिन किसी का कम करने के लिए नहीं दिया था। और भारतीय जनता पार्टी को सलाह है, जो कोई भी इस तरह की बात करें तो थोड़ा सा पढ़ लिया करें, देख लिया करें। पुनिया साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।